हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में और सजाउद्दीन के बारे में पढ़े थे। कुछ ये भवन निर्माण हुआ उस टाइम, मतलब बहुत सारे महल या फोर्ट किले बनाए गए उस टाइम। क्या क्या था? जैसे कुवैत अल इस्लाम, मोस्क्यू एंड मीनार। ये एक मीनार्ट मोस्क्यू, मस्क्यू मैंने मस्जिद होती है और ये मीनारें होती हैं भाई, जैसे कुतुब मीनार है। बिल्ट ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड ऑफ द 12th सेंचुरी, 12th सेंचुरी के लास्ट में बनाया गया। जैसे कुतुब मीनार थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी लेकिन इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया था। दिस वॉज द कॉन्ग्रेशनल मॉस्क्यू ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ट बाई दिल्ली सुल्तान। ये कुवैत ए इस्लाम ये फर्स्ट बिल्डिंग थी जो दिल्ली शासकों ने, सल्तनत के जो शासक थे उन्होंने पहली बनवाई थी, मीनार मोस्क्यू मस्जिद बनवाई थी। डिस्क्राइब इन क्रॉनिकल एज दिल्ली कोना, दिल्ली कोना ओल्ड सिटी को बोला जाता है, उसमें डिस्क्राइब की जाती है। द मोस्क्यू वाज इनलार्ज बाय द इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी। ये मोस्क्यू बाद में इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक्सपेंड की गई, मतलब इसे दोबारा से बनाया गया। द मीनार वाज बिल्ट बाय टू सुल्तान्स, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। और ये बनाई गई थी किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे शुरू किया और इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। उसके बाद मस्जिद क्या होती है? ए मोस्क्यू इज कॉल्ड ए मस्जिद इन अरेबिक्स। एक मोस्क्यू को अरेबिक भाषा मस्जिद बोला जाता है। मस्जिद जैसे हमारे हिंदुओं में टेंपल्स होते हैं, मुसलमानों जो सिखों में गुरुद्वारा होता है, मस्जिद होती है जहाँ पर जो लोग हैं मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो अल्लाह को याद करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। लिटरेरी ए प्लेस वेयर ए मुस्लिम प्रोटेस्ट प्रोपोस्ट्रेट्स इन रिवेंस टू अल्लाह, जहाँ मुस्लिम लोग अपने अल्लाह को मनाने के लिए, अल्लाह को मानने के लिए उस जाते हैं। इन्हें कॉन्ग्रेशनल मॉस्क्यू मस्जिद जामा एंड जामा मस्जिद, ये एशिया की सबसे बड़ी जामा मस्जिद है। मुस्लिम रीड देयर प्रेयर, नमाज वहाँ पढ़ते हैं और इकट्ठे होकर पढ़ते हैं, मतलब कलेक्टिवली नमाज पढ़ी जाती है, ठीक है। और उनके जो लीडर होता है, जैसे पंडित या पुरोहित होते हैं, उसी तरह उनके जो लीडर होते हैं वो इमाम होते हैं। फॉर रिचुअल्स फॉर प्रेयर, जैसे आगे वो खड़े होते हैं, जैसे जैसे वो बोलते हैं, कभी झुकते हैं, कभी दुआ मांगते हैं, वो सारे इमाम के नेतृत्व में होते हैं। ही आल्सो डिलीवर्ड द सर नेम्स, खुतबा जारी करते हैं। खुतबा होता है एक तरह का कोई भी आदेश जो सोसाइटी, जो मेन उस सोसाइटी को मानने वाले लोग हैं उन पर लागू होता है। ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर, फ्राइडे की जो प्रेयर होती है उस दिन वो खुतबा जारी करते हैं। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का, जब वो मुस्लिम खड़े होते हैं प्रेयर के लिए। आप बड़ी सभी धर्मों की जो रिचुअल्स हैं उसे ध्यान से देखा करो, सीखने को मिलती हैं ये चीज़ें। वो मक्का की तरफ खड़े होते हैं और मक्का देखो, जैसे ये इंडिया है, इस तरफ जो है इंडिया के वेस्ट में मक्का है, मक्का मदीना जो मध्य एशिया, उसमें क्योंकि ये माना जाता है कि मक्का जो है वहाँ पर ऐसा ये जो पैगंबर थे उनका जन्म हुआ था। इन इंडिया दिस इज टू द वेस्ट, इंडिया से ये वेस्ट में पड़ता है। दिस इज कॉल्ड द किबला, उसे किबला बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ राम को कहते हैं कि अयोध्या में पैदा हुआ, तो इस जगह को, और ये तीर्थ है और बहुत सारे लोग हज के लिए जाते हैं। मुसलमानों में ये माना जाता है कि उसका जीवन सफल हो जाता है अगर कोई हज के लिए जाता है, ठीक है। ये जो दिखाई गई है चीजें, ये ब्रह्मपुरी मॉस्क्यू है, बेगमपुरी मॉस्क्यू, बिल्ट इन द रीजन ऑफ मोहम्मद तुगलिक। मोहम्मद तुगलिक के जमाने में ये बनाई गई थी। वॉज द मेन मॉस्क्यू ऑफ जनपद द सेंचुरीज ऑफ द वर्ल्ड, इसे वर्ल्ड की सेंचुरी बोला जाता है। हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली, उसकी नई कैपिटल दिल्ली में है थी मोहम्मद तुगलक की। उसके बाद ये बिल्डिंग्स हैं, ये सारी ध्यान से देखो, कभी अगर दिल्ली जाने का मौका मिले तो ये बिल्डिंग्स की सैर आप जरूर करो। द दिल्ली सुल्तान बिल्ट सेवरल मॉस्क्यू, इस तरह देखो मुस्लिम कोई भी मंदिर मस्जिद क्यों बनाता है कोई भी व्यक्ति, ये खासकर शासक क्यों बनाते हैं?
जैसे अगर आप साउथ में जाओगे तो बड़े बड़े ह्यूज पत्थरों के मंदिर बनाए जाएंगे। ये मंदिर छात्रवी में आपने पढ़ा होगा, जितना बड़ा राजा होगा अपनी पावर को दिखाने के लिए उतना ही मंदिर बड़ा बनाएगा, ताकि वो भगवान को अपना प्रतिनिधित्व वो साबित कर सके जनता के सामने कि वो भगवान का प्रतिनिधि। ठीक है, इसी तरह इस्लाम के जो जितने भी शासक है, सुल्तान जो होते हैं वो अपनी मर्जी से शासन नहीं चला सकते, वो सारे इस्लाम के कानूनों के अनुसार शासक बनते हैं। जो मक्का में जो बैठते हैं इनके खलीफा, खलीफा के अकॉर्डिंग उनको चलना होता है, ठीक है ना। और जब ये मस्जिद, ये इस तरह के स्ट्रक्चर बनाते हैं, मॉस्क्यूज बनाते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि हम अल्लाह के जो है दूत हैं पृथ्वी पर, और हम अल्लाह की इबादत के लिए ये चीज़ें बनवा रहे हैं। ठीक है, उससे उनकी डिग्निटी बढ़ती है, उनकी पावर बढ़ती है। द दिल्ली सुल्तनत बिल्ट सेवरल मॉस्क्यू इन द सिटी ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, सारे सब कॉन्टिनेंट जितना भी इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का पार्ट है, वहाँ पर दिल्ली जो सुल्तान थे उन्होंने मॉस्क्यूज बनाई। दीज डेमोस्ट्रेट देयर क्लेम टू द प्रोटेक्टर ऑफ द, वही बात आ गई ना, ये मस्जिद उन्हें क्या करती है, उनका प्रदर्शन करते हैं वो मस्जिद बनवा के कि हम इस्लाम के प्रोटेक्टर हैं और मुस्लिम सच्चे मुसलमान हैं। मॉस्क्यू आल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, और इस तरह से जो भी इसमें आएगा तो वो इकट्ठे होंगे, एक कम्युनिटी की सेंस होगी, और वो कम्युनिटी क्या करेगी कि अल्लाह, एक अल्लाह में विश्वास करते हैं, हम एक हैं, हम मुस्लिम्स हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो धार्मिक जगहें होती हैं वो लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए भी होती हैं। ये जो चित्र है ये मोती मस्जिद है, बिल्ट इन रीजन ऑफ सिकंदर लोदी बाय हिज मिनिस्टर, ये भी उसी क्षेत्र में सिकंदर लोदी के द्वारा, सिकंदर लोदी का एक कोई मिनिस्टर था, उसने बनाया था। उसके बाद हु शेयर्ड ए बिलीफ सिस्टम एंड ए कोड ऑफ कंडक्ट, ये यहाँ से है कि एक कम्युनिटी होती है और उनका एक सांझा बिलीव होता है, विश्वास होता है, अल्लाह में विश्वास करते हैं या भगवान में विश्वास करते हैं, और जो अल्लाह के बनाए हुए कानून होते हैं, जैसे शरीयत, जो मुसलमान है वो शरीयत के अनुसार शासन करते हैं, शरीयत के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, ये उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है कि इसके अनुसार ही हमें जीवन जीना है, इससे बाहर अगर हम जीवन जियेंगे तो हम काफिर हो जाएंगे। इट वॉज नेसेसरी टू रेनफोर्स द आइडिया ऑफ ए कम्युनिटी, और इस तरह से जब इन मस्जिदों में जो लोग जाते हैं तो जो आइडिया होता है धर्म का उस कम्युनिटी में उसको लागू किया जा सकता, प्रसार किया जा सकता, बिकॉज मुस्लिम्स कम फ्रॉम ए वराइटी ऑफ बैकग्राउंड, क्योंकि मुसलमान बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड से आए थे, बहुत सारे देशों से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, ईरान, इराक, तुर्की, वहाँ बहुत जगह से आए थे, तो एक कम्युनिटी की फीलिंग तभी आ सकती थी, और बहुत सारे बैकग्राउंड से आते थे, बहुत एक ऊंचे क्लेम के लोग भी माने जाते थे, क्लेन मतलब बहुत ऊंची नस्ल के लोग अपने आप को मानते थे, अमीर भी थे, गरीब भी थे। एक अच्छी बात मुस्लिम धर्म में ये है कि वहाँ जात पात नहीं है, बट वहाँ सोशल डिस्क्रिमिनेशन तो है, कुछ लोग बहुत ऊंची नस्ल के अपने आप को मानते हैं, कुछ नीचे नस्ल के लोग माने जाते हैं। तो इस तरह से इस कम्युनिटी को एक करने के लिए ये कोड ऑफ कंडक्ट, जो रूल होते हैं धर्म के रूल, वो अपनाए जाते हैं ताकि लोग एक 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 झंडे के नीचे या एक धर्म के नीचे आए। ये मॉस्क्यू ऑफ जमाली है, जमाली की मस्जिद, कमाली, जमाली कमाली की मस्जिद है, बिल्ट इन 1520 के आसपास, जब लोदी वंश का शासक था दिल्ली में तब ये मस्जिद बनी थी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। एक क्लोजर लुक, क्लोजर लुक मैंने ध्यान से देखना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक, तुगलक और खिलजीज के शासक कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया, खिलजी और तुगलक कहाँ कहाँ से आए थे, उनके शासक कौन कौन थे, उन्होंने क्या क्या अलग अलग काम किए। द कंसोलिडेशन ऑफ ए किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सुल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे जैसे दिल्ली का क्षेत्र बढ़ता गया, पहले तो छोटे से राज्य पर राज था, लेकिन ये लोग वार में विश्वास करते थे, अपने राज्य को एक्सपेंड करने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए राजाओं
जो लोकल राजा थे यहाँ उनको हरा रहे थे और अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहे थे। जैसे जैसे क्षेत्र का विस्तार हो रहा था, जो गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर थे उनका रिलायबल होना बहुत ज़रूरी था, वफादारी बहुत ज़रूरी थी। इसलिए ऐसे ऐसे गवर्नर, मुखिया, राज्यपाल, प्रशासक, उनकी ऐसी ऐसी ज़रूरी थी, ऐसे होने जरूरी थे जो शासक के प्रति क्या रहे, वफादार रहे। रादर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफ्सियन एज गवर्नर, द अर्ली दिल्ली सल्तनत स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज्ड फॉर मिलिट्री स्लेव्स। और इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो बड़ी बड़ी पोस्टें थी, मंत्री, सेनापति, दरबार, जो नायब तहसीलदार, इन बड़ी बड़ी पोस्टों पर जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालती थी उस टाइम, उन पर जो अरिस्टोक्रेट लोग थे, अरिस्टोक्रेट का मतलब या चीफ्सियन लोग थे, जो गवर्नर थे, जैसे कोई उसके भाई का बेटा, राजा के भाई का बेटा, उसका दामाद, या जो कुलीन वर्ग के लोग थे आसपास की रिश्तेदारी के, या बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, उनको अपॉइंट करना नहीं ठीक उन्होंने समझा। उनको पता था कि अगर ये मैं कमज़ोर हो जाऊंगा तो ये जल्द ही मुझे उतार कर गद्दी से अपने हाथ में ले लेंगे। इसलिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो महत्वपूर्ण पद थे उन पर जो रॉयल फैमिली के लोग थे उनको तो उनको नहीं चुना, बल्कि ऐसे लोगों को चुनना शुरू कर दिया जो उन्होंने खरीदे हों, दास हों और वो उनके प्रति वफादार हों। खरीदा हुआ व्यक्ति ज़्यादा वफादार होता है फैमिली से, तो उन्होंने स्पेशल मिलिट्री की जो सर्विस है उनको दे दी। जैसे खुद कुतुबुद्दीन ऐबक भी मोहम्मद गोरी का दास था, खरीदा हुआ था और उसको शासक बना के गया वो इंडिया का। फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विसेज, और मिलिट्री सर्विसेज के लिए वो सेनापति बनाने के लिए जो और महत्वपूर्ण जो मिलिट्री में पद होते हैं उनको देने के लिए उन्होंने दास खरीदने शुरू कर दिए। और इस थ्योरी को बंदगन कहा जाता था, बंदी बना के रखना, या जो स्लेवरी से रिलेटेड था। इन द पर्शियन भाषा में उसे बंदगन कहा जाता था। दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर इन द किंगडम, और जो किंगडम इस राज्य के महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति थे वो दासों को ट्रेंड करते, सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपन देयर मास्टर, और वो उसके बाद अपने स्वामी पर डिपेंड होते, स्वामी उनको जो ऑर्डर देगा वो उसी की मानते थे, ये नहीं कि वो अपने दिमाग से, उनको इस तरह से ट्रेंड किया जाता था कि वो अपने आप डिसीजन नहीं लेते थे, सारे डिसीजन वो अपने स्वामी की मानते थे। द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिले ऑन दम, और सुल्तान इस तरह से उन पर क्या है विश्वास भी करता था और उनको महत्वपूर्ण पद भी देता था। सुल्तान वर एडवाइज, सुल्तान को क्या सलाह दी जाती थी, ए स्लेव, एक दास, हुम वन हैज ब्रोट अप एंड प्रमोटेड मस्ट बी लुकड आफ्टर फॉर इट्स नीड ए होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू फाइंड ए वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव। स्लेव को ऐसे प्रमोट किया जाता है कि वो सारी उम्र अपने जो स्वामी है उसका गुड लक और उसके लिए कीमती वैल्यू सर्विस देता रहे। वाइज मैन हैव सेड, बुद्धिमान लोगों ने कहा, दैट ए वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज बेटर देन ए सन, एक वफादार और अनुभवी जो स्लेव है, दास, वो एक बेटे से भी ज़्यादा वफादार होता है, बेटे से भी अच्छा होता है। ठीक है, क्या आप समझते हो कि दास होना अच्छी बात है? आज तो दास को माना नहीं जाता, आज सर्विस मानी जाती है, सर्वेंट, दास पर्दा खत्म हो चुकी है, अब कोई खरीद बेच नहीं सकता। हाँ, आप अपना कार्य बेच सकते हो, अपनी मेहनत बेच सकते हो, लेकिन आप अपना शरीर नहीं बेच सकते। द खिलजीज एंड तुगलस कंटिन्यू टू यूज बैंडगन एंड आल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु आर ऑफन देयर क्लाइंट टू हाई पोलिटिकल पोजिशन। जो खिलजी और तुगलक ने भी जो बंदागन थ्योरी थी उसको अपनाए रखा, और बड़ी ही हम्बल फैमिली से वो आते हैं। हम्बल फैमिली वो फैमिली जो इकोनॉमिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत कमजोर स्थिति में होती, ठीक है, वहाँ से वो लोग जन्म लेते, फिर उनको ट्रेंड किया जाता और महत्वपूर्ण पदों पर पहुँचा दिया जाता। देखो क्या फर्क था उनमें, एक बच्चा मान लो वजीर के घर पैदा हुआ, उसे लगता है कि मैं वजीर हूँ, मेरे से मैं तो नीचे इससे जा ही नहीं सकता, मैं राजा बन सकता हूँ बट इससे नीचे तो मैं नहीं जा सकता,
और उसके अंदर क्या होता है, एक मंत्री की भावना होती है, पॉलिटिकल पोजीशन करने, बड़ी पॉलिटिकल पोजीशन भी मिल जाए तो वो किसी के प्रति एहसानमंद नहीं होता, उसे वो बड़ी चीज़ नहीं लगती। अगर छोटी मिल जाए तो वो रंजिश रखने लगता है, उसे गुस्सा आता है कि मुझे छोटी क्यों दे दी। लेकिन जब ये लोग हम्बल फैमिली से ही हैं, मतलब बहुत ही नीचे तबके से आए हैं, और उनको बड़ी बड़ी पोस्टें दी जाती, तो ये एहसानमंद होते हैं। वो क्या होते हैं, वो अपने कर्तव्य का पालन फिर सही ढंग से करने के लिए भी तैयार रहते हैं, अपने स्वामी के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं। दे वर अपॉइंटेड एज जर्नल एंड गवर्नर्स, और जब ये ट्रेंड हो जाते, ये लोग उनको जर्नल और गवर्नर के रूप में काम करने के लिए दिया जाता। हाउ आर दिस आल्सो इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी, लेकिन बाद में धीरे 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 जो है वो इनके प्रति जो लोग होते हैं, जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, जो राजा की आसपास की फैमिली के लोग होते हैं, वो उनसे विरोध करना शुरू कर देते हैं, और इससे राजनीतिक अस्थिरता फैल जाती है। वो राजा पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, इन दासों को मारने की कोशिश की जाती है, षड्यंत्र रचे जाते हैं, युद्ध में डिसलॉयलिटी दिखाई जाती है। ठीक है, स्लेव्स एंड क्लाइंट वर लॉयल टू देयर मास्टर्स, जो दास और क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट भी वही होते हैं जो दूसरों के प्रोटेक्शन में रहता है, दूसरों पर डिपेंड होता है, ठीक है, दास की तरह ही होता है। टू हाई पोलिटिकल क्या होता है, लॉयल देयर मास्टर एंड द पैट्रॉन्स, जो क्लाइंट और स्लेव होते हैं वो अपने स्वामियों और पैट्रॉन, जो उसका अभिभावक होता है, जो उसको पालता है, उसके प्रति डिपेंडेंट होते हैं, लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं। बट नॉट टू देयर हायर्स, लेकिन उनके लिए नहीं जो उनके हायर होते हैं, जो उनके खरीदार होते हैं। ठीक है, न्यू सलंतनत हैड देयर ओन सर्वेंट, जो नई सुल्तान थे, न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट्स। देखो हायर क्या क्या मतलब है, यहाँ उत्तराधिकारी है। मान लो एक व्यक्ति ने एक दास को खरीदा, ये व्यक्ति दास बना के किसी व्यक्ति को ले आया, इसको बाद में इसका बेटा, ये इसकी डेथ हो गई, अब इसका बेटा राजा बन गया। ये व्यक्ति जो दास था वो सिर्फ इसका था, इसके प्रति वो वफादार नहीं है। जो नए सुल्तान होते इसको अपने वफादार और ढूंढने पड़ते, ठीक है ना। उसके बाद एज ए रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ ए, क्योंकि पता क्या है, इनके मुस्लिम्स में शादियां कई होती थी, कई माओं के बेटे पैदा होते, फिर एक ही राजा के उत्तराधिकारी 10-10 हो जाते, और वो अब 10 में से वो किसको अपना मास्टर चुने। तो नए सुल्तान जो बनते इस फाइट में, जो जीत जाता वो राजा बन जाता, वो अपने नए सर्वेंट खोजते। फिर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सेशन ऑफ ए न्यू स्लेव्स, नए ढंग से स्लेव एक्सेशन किए जाते और उनको नए तरीके से ट्रेंड किया जाता था। ठीक है, एज ए रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ ए न्यू मोनार्क ऑफन सा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी, और इस तरह से दोनों में जो पुराने और नए वफादार होते उनमें कॉन्फ्लिक्ट चलता। द पैट्रॉन्स ऑफ दिस हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान आल्सो शोकड मैनी लाइट्स, एंड द ऑथर ऑफ द पर्शियन तवारीख्स क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बोर्न टू द हाई ऑफिसर्स। और जो पर्शियंस लिटरेचर है जिसमें जो लोगों द्वारा लिखा गया वहाँ के, इससे कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत पैदा हुए। तो ये कहते हैं कि आप इतने नीच जाति या जो भी जाति तो वहाँ नहीं होती थी, लो कास्ट में या लो स्टेटस की फैमिली में पैदा होने वाले लोगों को आप इतनी इतनी बड़ी पोस्टों पर रख रहे हैं। तो दिल्ली जो पर्शियन तवारीख्स थे, पर्शियन किताब थी, उनमें इन दिल्ली सुल्तानों की आलोचना की गई कि आप बड़ी ही नीच और बेस बोर्न वाले लोगों को हाई ऑफिसर के पद पर पैदा करें। क्योंकि एक ये भी था ना कि बड़े बड़ी पोस्ट पर बड़ी बड़ी खानदानों के लोग ही रह सकते हैं, क्योंकि अगर छोटे लोग या नीच फैमिली से, नीच मतलब यहाँ इकोनॉमिक या जिसका सोशल स्टेटस कम है, हम्बल फैमिली से आते हैं, वो जाके करप्शन करेंगे, जल्दी से धनवान होने की कोशिश करेंगे, और जो शासन करना है वो तो
नोबिलिटी का ही काम है, छोटे घरों के लोग शासन करने के योग्य नहीं होते, इस तरह की बातें थी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। शासन करना कोई जन्म से रिलेटेड नहीं होता, एजुकेशन और अनुभव से रिलेटेड होता है, ठीक है। ऑफिशियल ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, नाम सुना है ना मोहम्मद बिन तुगलक का, मैंने कई बार बताया। इसके ऑफिसर्स कैसे थे? सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुमार। मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार को अपॉइंटेड किया ए वाइन डिस्टिलर, एक शराब बनाने वाला, फिरोज हाजम ए बारबर, फिरोज हाजम था एक नाई था, जो हजाम बोलते हैं ना नाई को पर्शियन भाषा में, मंका तबाक एक कुक था, रसोईया, एंड टू गार्डनर, एक था लधा और एक था पीरा। इनको इन्होंने बड़ी बड़ी पोस्टों पे रखा, अपॉइंटेड किया लद्दा और पीरा को टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, बहुत सारी प्रशासनिक बड़ी बड़ी पोस्टें थी उन पर रखा था। जियाउद्दीन बरनी जो थे, जियाउद्दीन बरनी नाम इसका था, जियाउद्दीन बरनी, ये एक महान राइटर्स थे, ए मिड 14th century, मध्य 14th शताब्दी में, और क्रॉनिकलर थे। क्रॉनिकलर का मतलब होता है जो तारीखों के अनुसार घटनाओं का वर्णन करते हैं। रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट एज ए साइन ऑफ सुल्तान लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी ऑफ द रूल, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। लाइक द अर्लियर सुल्तान, दूसरे जो पहले वाले सुल्तान थे, द खिलजी एंड द तुगलक्स, मोनार्क अपॉइंटेड द मिलिट्री कमांडर एज गवर्नर ऑफ टेरिटरी ऑफ वेरिंग साइज। मतलब इन्होंने क्या किया था, प्रशासन इनका बहुत जगह फैला हुआ था, तो प्रशासन को सही ढंग से चलाने के लिए इन्होंने भिन्न भिन्न भागों में बांटा हुआ था। और मान लो ये टेरिटरी है इसकी खिलजी और तुगलक वंश की, बहुत दूर तक फैली हुई, तो एक राजा तो यहाँ सेंटर में बैठता है ना, कैपिटल में। बाद में जो उनका बाकी का क्षेत्र है उसको कौन लोग संभालते हैं, वो दूर दूर से बैठे हुए गवर्नर, और गवर्नर्स को क्या है, राजा अपॉइंट करता है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एग्रीकल्चर्स वगैरह के, मार्केट्स के, ट्रेड के, जो सेना है उसके, उनको चलाने के लिए, हैंडल करने के लिए, जैसे आज डीएम, एसडीएम, तहसीलदार होते हैं, उस टाइम भी होते थे, ठीक है। तो उन्होंने भी अपने मिलिट्री कमांडर नियुक्त किया एज ए गवर्नर ऑफ टेरिटरी। मान लो यहाँ पंजाब का कोई गवर्नर है, राज्यपाल जिसे बोलते हैं, ठीक है। आज तो राज्यपाल के पास इतनी पावर नहीं है, उस टाइम बड़ी ज़्यादा होती थी, ये राजा के बाद उस क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रशासक होता था, ठीक है। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता, इस लैंड को इक्ता कहा जाता था। मान लो एक इक्तेदारी एक सिस्टम था, इक्तेदारी जैसे जमींदारी होती है ना, वैसे इक्तेदारी होती है। एक बड़े भूमि के टुकड़े का मालिक, ये इल्तुतमिश ने शुरू की थी इक्तेदारी, उसको बड़ी भूमि दी जाती थी, और भूमि के देने के बदले वो टैक्स वहाँ से कलेक्ट करता और मिलिट्री हेल्प करता राजा की जब भी उसे ज़रूरत पड़ती, ठीक है। एक प्रणाली थी लैंड की इक्ता, ऐसी लैंड जो एक राज्यपाल के अंडर थी, जो होल्ड करता उस लैंड को उसे इक्तेदार कहते, और इक्तेदार होल्ड जैसे ही इक्तेदारी मिलती उसकी ड्यूटी क्या होती कि वहाँ से टैक्स कलेक्ट करके राजा को दे, कुछ अपने पास रखें, मिलिट्री तैयार करें, और जब भी ज़रूरत हो राजा की हेल्प करें। एंड देयर होल्डर वाज इक्तेदार, एक ज़मीन का टुकड़ा होता था इक्ता, उसको होल्ड करने वाला इक्तेदार होता था, या मुक्ति भी बोला जाता था उसे। द ड्यूटी ऑफ मुक्तीज वर लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज, और उसकी ड्यूटी क्या होती थी कि मुक्ति की, कि मिलिट्री कैंपेन जब राजा के चलते, उस टाइम सुल्तान का सुल्तान बोला जाता था राजा को, तो वो लॉ एंड ऑर्डर रखे उस इक्ता में। मान लो यहाँ पंजाब का कोई इक्तेदार है, इस क्षेत्र की पूरी लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा की जिम्मेदारी इक्तेदार की होती, ठीक है। और साथ साथ में जब राजा को सर्विस की ज़रूरत होती, मिलिट्री सर्विस की ज़रूरत होती, तो वो देता। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस के बदले द मुक्तीज कलेक्टेड रेवेन्यू, वहाँ से राजस्व इकट्ठा करता, टैक्स इकट्ठा करता,
टैक्स के बारे में तो आप हर जगह पढ़ोगे, वैदिक काल से लेकर अब तक, क्योंकि टैक्स के बिना कभी भी कोई राज्य चलता नहीं है भाई। ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी, सैलरी के रूप में उन्हें वहाँ से वो रेवेन्यू इकट्ठा कर लेता, कुछ अपने पास रख लेता, कुछ राजा को दे देता, कुछ सोल्जर्स की तनख्वाह दे देता, घोड़ों की तनख्वाह दे देता, जो सेना पर खर्चा करने वाला खर्चा आता वो उस जो उस राज्य की डिमांड होती, रोड बनवाने हैं, नहरें निकलवानी हैं, उस टाइम भी सारे काम होते थे। ऐसे मत समझो कि अभी अभी की गवर्नमेंट ये सारे काम कर रही है, उस टाइम भी गवर्नमेंट सारे काम करती थी। दे आल्सो पेड देयर सोल्जर्स, सोल्जर्स को वो तनख्वाह देता, एंड फॉर देयर रेवेन्यूज फॉर फ्रॉम दिस रेवेन्यू इसी टैक्स से। कंट्रोल ओवर मुक्तिज वर मोस्ट इफेक्टिव इन देयर ऑफिस, वर नॉट इनहेरिटेबल, एंड इफ दे वर असाइंड इक्ताज फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बींग शिफ्टेड। जो मुक्ति पर कंट्रोल था राजा का, बड़ा इफेक्टिव होता, और मुक्ति का भी कंट्रोल जो अपने ऑफिशियल्स पर बहुत ज़्यादा मजबूत होता। उसके बाद कुछ समय के लिए, इफ दे वर असाइंड इक्ताज फॉर ए शॉर्ट पीरियड, थोड़े समय के लिए अगर वो इक्ता किसी को इक्ताज बनाते किसी भी क्षेत्र का, उसको जल्दी ही वहाँ से हटा दिया जाता। क्यों? क्योंकि ज़्यादा देर तक रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन करेगा, पावर ज़्यादा इकट्ठी होगी, वहाँ के लोगों को जानेगा, अपनी पैठ बना लेगा, और एक दिन राजा को ये आंखें दिखाना शुरू कर देगा। इस वजह से इसको बार बार शिफ्ट किया जाता था। आपको पता है आईएएस ऑफिसर, जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, डीएम, कलेक्टर वगैरह हमारे देश में, उनको भी जल्दी जल्दी शिफ्ट कर सकती है सरकार, और उनकी बदली एक साल में 5-6 बार हो सकती है। इसीलिए उनको कहते हैं, क्योंकि एक जगह जमे रहने से उनमें करप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दीज हार्स कंडीशन ऑफ सर्विस वर रिगोर्शियली इम्पोज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद तुगलक और खिलजी के टाइम इस तरह का शासन था। अकाउंटेंट वर अपॉइंट बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज, और उनके ऊपर एक लेखापाल होते थे, अकाउंटेंट होते हैं। अकाउंटेंट वो लोग होते हैं जो लेन देन का हिसाब देखते हैं, भाई पैसे आए थे, कितना टैक्स इकट्ठा हुआ, कहाँ कहाँ लगाया, अपने लिए यूज तो नहीं कर लिया, भ्रष्टाचार में कहीं घुसखोरी तो नहीं की गई, इस तरह से। तो जो अकाउंटेंट था वो जितना भी टैक्स मुक्ति के द्वारा कलेक्ट किया जाता उसका हिसाब रखते थे। केयर वर टेकन दैट द मुक्तीज कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट, और ये ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति वही टैक्स इकट्ठा करे जो सरकार ने उन्हें बोल रखा है कि आपने यही यही इतने इतने पैसे लेने हैं, अपने आप वो टैक्स इकट्ठा ना करे, ठीक है। दैट ही कैप्ट रिक्वायर्ड एट द मेंबर ऑफ सोल्जर, जितने नंबर ऑफ सोल्जर्स वो रखेगा, मान लो 500 सोल्जर उसने, सिपाही उसने रखे हैं, 500 सोल्जर्स की उसने पे देनी है, उनका खाने पीने का खर्चा, हथियार वगैरह देने हैं, उसके हिसाब से ही टैक्स लेगा वो, इससे ज़्यादा नहीं। एज द दिल्ली सुल्तान ब्रोट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज अंडर द कंट्रोल दे फॉरेस्ट टू लैंडेड, दिस दिल्ली सुल्तान ने हिंटरलैंड वो क्षेत्र जो उनके अंडर में नहीं थे, ऐसे क्षेत्र जहाँ माल उतारा बेचा जाता था, वो लाने के लिए फोर्स का यूज़ किया, सेनाओं का यूज़ किया। और ये सेनाएं कहाँ से आती थी, वो सेनाएं वहीं से आती थी ना, मुक्तीज उन्हें सेनाएं देते थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।